नमस्कार। एनसीबी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, और वो कौन सा सफलता मिली है जिससे कि पूरा देश और दुनिया एक बार फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आर्यन खान क्यों नीलामी में शामिल हुए हैं और कितने दिनों बाद ये पहली बार इवेंट में दिखे हैं, ये बात करेंगे आपको आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी सफलता एनसीबी को मिली है जिससे कि पूरा देश और दुनिया एक बार चौकन्ना हो चुका है कि कैसे भारत में दुश्मन देश मिलकर के भारत देश को खोखला करने के लिए दिन और रात जहाज से, वायु से, समुद्र के रास्ते से जो कुछ भी बन पड़े वो पूरी तरीके से अपने कार्य को सफल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एनसीबी जो है वो भारतीय नौसेना से मिलकर के एक बड़े वारदात को अंजाम देती है, एक बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करती है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत जो है वो एनसीबी को, भारतीय नौसेना को कहीं ना कहीं ये फायदा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 4 महीने से एनसीबी जो है वो भारतीय नौसेना से मिलकर के एक बहुत बड़े ड्रग्स पेडलर का, एक बहुत बड़े ड्रग्स पेडलर की खोज में 4 महीने से लगी हुई थी। और उनको खबरें मिली थी भारतीय नौसेना से कि कुछ जहाज जो है, 2 बड़े जहाज जो है वो समुद्र के रास्ते से अरब सागर होते हुए भारत देश में आ रही है। जब ये जहाज पे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी गई और पता चला कि उर्दू में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी जिससे ये पता चलता है कि जो अरब सागर में जो 2 जहाज को पकड़ा गया है एनसीबी की तरफ से भारतीय नौसेना से मिलकर के, उसमें 2,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं। ये अभी की सबसे ब्रेकिंग और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि 2000 करोड़ रुपए का एनसीबी ने भारतीय नौसेना के उनकी सहायता से 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। और ये 2000 करोड़ का ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहा था और पाकिस्तान से कहां जा रहा था यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनसीबी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिस तरीके से ड्रग्स को पूरी तरीके से बरामद करती है 2000 करोड़ की, तो उसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक। वो सारे लोग जो हैं वो खुफिया हैं और भारत देश में बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत दिनों से ये ड्रग्स का पूरी तरीके से पैडलिंग कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि ये 2000 करोड़ का ड्रग्स कहां कहां जा रहा था और कहां कहां गया होगा ये भी आप समझ लीजिए कि पहला तो सोर्सेस से खबरें ये आया कि ये 2000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो गुजरात में और मुंबई में, ये 2 जगहों पे जाने की आशंका थी। और ये सोच लीजिए कि कितने बड़े बड़े ड्रग्स जो पेडलर हैं वो महाराष्ट्र में, मुंबई में हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि क्या इतनी ज्यादा खपत है महाराष्ट्र में, मुंबई में ड्रग्स की, जो आज 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हो रहे हैं, कभी 1500 किलो जो ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। जब हम उस चीज की कामना करते हैं, जब हमारी रिक्वायरमेंट है, तभी तो ड्रग्स पेडलर को वहां पे पूरी तरीके से पहुंचाने में और उनको वहां पे फायदा मिलता है, तभी तो वो ड्रग्स वहां पे पहुंचाते हैं। अगर वहां की जनता, वहां की पब्लिक पूरी तरीके से नकार देगी, कहेगी कि मैं ड्रग्स आज के बाद नहीं लूंगा, मुझे भारत देश को ड्रग्स फ्री इंडिया बनाना है, तो क्या कल को कोई भी ड्रग्स पेडलर हमारे भारत देश से बाहर, जो दुश्मन देश से जो हमारे लिए बुराई चाहते हैं, क्या वो समुद्र के रास्ते से आके हमारे भारत देश में गंदगी फैलाएंगे, ड्रग्स ले देंगे? तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय और गंभीरता वाली बात है, क्योंकि आज जिस तरीके से बड़ा कदम उठाया है एनसीबी ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। और लोग सोचते थे कि एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े को यहां से ट्रांसफर करवा दूंगा तो शायद यह मामला दब जाएगा, यह मामला अब आगे नहीं उठेगा, वहां की पब्लिक, वहां की जनता फ्री माइंड से जो ड्रग्स पेडलर हैं काम कर सकती हैं, जो ड्रग्स पेडलर थे वहां की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि चलो समीर वानखेड़े चला गया, आप ड्रग्स पेडलर पूरी तरीके से आराम से काम करो। लेकिन यहां से ट्रांसफर होने के बाद भी अब तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो और जोर शोर से आगे चल रहा है, और भी बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर पकड़ा रहे हैं। अब ये जो 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से खबरें ये आ रही है कि एक ने ये कहा कि हम लोग बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं और खुफिया रास्ते से काम कर रहे हैं, और ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं कि सरकार को यहां तक पता नहीं चलेगा, और हम वहां के पब्लिक को ही हम ड्रग्स पेडलर के लिए कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से ड्रग्स का पेडलिंग करते हैं। आपको लगेगा
कि आप एक आम इंसान हैं, एक आम नागरिक हैं, आप वहां पे आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आप एक ड्रग्स पेडलर का भी काम कर रहे हैं। तो उस शख्स ने यह बताया कि हम लोग इतनी सफाई से काम करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाइएगा कि हम ड्रग्स पेडलर हैं। तो इस तरह का माहौल क्रिएट करवा दिया गया है और ड्रग्स की ज्यादा खपत करने के लिए भी ड्रग्स पेडलर जो हैं एक आम इंसान को, एक सीधा साधा इंसान को भी ड्रग्स से एडिक्ट करवा देते हैं ताकि उनकी ड्रग्स की जो खपत है वो ज्यादा हो सके। और ये ऐसा लत है, ये ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाए तो शायद 1000 किलो भी आपके लिए कम पड़ जाएगा ड्रग्स, क्योंकि ये ड्रग्स की ऐसी लत है जो इंसान की कोई भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकती। आर्यन खान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो विवाद हो, चाहे शाहरुख खान की कोई बात हो विवाद हो, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि शाहरुख खान की मुसीबतें और समस्याएं कितनी बढ़ गई थी जब आर्यन खान ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए थे कौडेलिया क्रूज ड्रग्स केस पार्टी में। लेकिन 3 हफ्ते तक ये जेल में थे, ऑर्थर रोड जेल में, और कहीं ना कहीं काफी एक मुजरिम वाली जिंदगी जी रहे थे। काफी दिनों से लोगों ने इनको कोई भी इवेंट पे नहीं देखा है, लेकिन एक ताजिया जो रिपोर्ट आई है, जो एक ताजिया फोटो आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इतने दिनों बाद पहली बार आर्यन खान जो हैं वो एक इवेंट में दिखे हैं। आईपीएल 2022 की नीलामी में वो शामिल हैं। और आपको बताऊं कि केकेआर के टेबल पर टीम आईपीएल की प्री ब्रीफिंग में वो शामिल हैं, जिसमें कि सुहाना खान भी हैं और आर्यन खान दोनों हैं। और इतने दिनों बाद ये दोनों एक ही टेबल पे दिखें और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि काफ़ी लंबे समय बाद आर्यन खान जो हैं और उसके बाद उनकी बहन जो हैं एक ही टेबल पे, केकेआर के टेबल पे पूरी तरीके से शामिल हैं। और ये केकेआर टीम जो है वो आईपीएल की, इसमें जूही चावला भी मालिकाना हक उनका भी है और ये शाहरुख खान इसको पूरी तरीके से टीम के ओनर हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से आईपीएल का पूरा मैच का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इसी का ये इवेंट था जिसमें कि आईपीएल 2022 की टीम की नीलामी में हो रही थी। वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। जब उनको ऑर्थर रोड जेल में जब डाल दिया गया था तो काफी ज्यादा परेशान थे। शाहरुख खान भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर के काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि चारों तरफ जहां भी वो जाते थे लोग कैमरे के साथ उनके पीछे दौड़ते थे। और कहीं ना कहीं ये परेशानी शाहरुख खान की थी तो उसके लिए ये बॉडीगार्ड की तलाश भी कर रहे थे। तो फाइनली ये खबर आ गया है कि शाहरुख खान जो हैं वो अपने बेटे आर्यन खान के लिए एक बॉडीगार्ड की उन्होंने व्यवस्था कर दी है। ये कहीं भी जाते हैं तो अपने बॉडीगार्ड के साथ ही जाते हैं। तो अभी जिस तरीके से एनसीबी की भी पूरी तरीके से आर्यन खान पे नज़र है, ऐसी स्थिति में आर्यन खान को अकेले कहीं जाना ये भी उनके लिए सेफ नहीं है। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते जय।